राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि शिव चौदस के व्रत में क्या करें शिवरात्रि में और क्या नहीं करें। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुमकुम सौभाग्य का प्रतीक होता है, जबकि भगवान शिव वैरागी हैं, इसलिए शिव जी को कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर हल्दी भी नहीं चढ़ाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए हिंदू धर्म में रात्रि कालीन विवाह मुहूर्त को बेहद उत्तम माना जाता है। महाशिवरात्रि की पूजा में बेलपत्र, भांग, धतूरा, गाय का कच्चा दूध, चंदन, रोली, कपूर, केसर, दही, घी, मोली, अक्षत जिसे चावल कहते हैं, शहद, शक्कर, पांच प्रकार के मौसमी फल, गंगा जल, जनेऊ, वस्त्र, इत्र, कुमकुम, कमलगट्टा, कन्नेर, पुष्प, फूलों की माला, शमी का पत्र, लौंग, सुपारी, पान, रत्न आभूषण, इलायची, धूप, शुद्ध जल, कलश आदि जो कि पूजा सामग्री हमारी होती है। इनमें से जो भी जरूरी नहीं है कि देखो भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, जो भी आपसे बन जाए अपनी इच्छा अनुसार आप कर सकते हो। शिवरात्रि के दिन प्रातः काल स्नान से जल्दी उठें सवेरे और जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद एक वेदी पर कलश की स्थापना कर गौरी शंकर की मूर्ति या चित्र रखें। कलश को जल से भरकर रोली, मोली, अक्षत, पान सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, दही, घी, शहद, कमलगट्टा, धतूरा, बिल्व पत्र, कन्नेर आदि अर्पित करें। शिव जी की आरती पढ़ें। रात्रि को जागरण में शिव जी की चार आरती का विधान आवश्यक माना गया है। इस अवसर पर शिव पुराण का पाठ भी कल्याणकारी कहा जाता है। तिल को शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता। तुलसी को हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है, सभी शुभ कार्यों में इसका प्रयोग होता है, लेकिन तुलसी को भगवान शिव पर चढ़ाना मना है। भूलवंश लोग भोलेनाथ की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता। जब शिव पूजा करें तो इसमें बेलपत्र, शहद, दूध, दही, शक्कर और गंगा जल जरूर शामिल करें। ऐसा करने से पूजा का शुभ फल दुगना हो जाता है। महाशिवरात्रि रात में शिव और शक्ति की पूजा का विधान है, क्योंकि ये चार पहरों में बांटी गई है, इसलिए महादेव और पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन देवी पार्वती से शंकर जी का विवाह संपन्न हुआ था। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव और देवी शक्ति के मिलन का दिन होता है। यह त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। कहा जाता है इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, यही कारण है हिंदू धर्म में रात में के विवाह मुहूर्त को बेहद उत्तम माने जाते हैं। इस दिन भक्त जो मांगते उन्हें शिव जी जरूर देते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल के आखिरी महीने में फागुन में मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहार महाशिवरात्रि का पर्व आता है। इस दिन सुबह से ही शिव मंदिरों में भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है। पूरा दिन श्रद्धालु भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। रुद्राक्ष को शिव का प्रिय श्रृंगार माना जाता है, तो जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी रुद्राक्ष इसका उपयोग आध्यात्मिक क्षेत्र में भी किया जाता है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शंकर के आंखों के आंसू हैं उनसे हुई है। इसे धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। भगवान शिव को हमेशा उल्टा बेलपत्र यानी चिकनी सतह की तरफ से, जिधर से वो चिकना होता है वो वाला भाग स्पर्श करते हुए ही बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र को हमेशा अनामिका, अंगूठे और मध्यमा उंगली की मदद से चढ़ाएं। शिव जी को बेलव पत्र अर्पण करने के साथ साथ जल की धारा जरूर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय। कराल महाकाल काल कृपाल
ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें, साथ ही ओम नमो भगवते रुद्राय का भी जाप कर सकते हैं। इन मंत्रों को जपते हुए बेलपत्र पर चंदन या अष्टगंध से राम राम लिखकर शिव पर चढ़ाएं। प्रत्येक माह की महाशिवरात्रि का एक एक पल अति महत्वपूर्ण, अति पुण्य फलदायी माना गया, किंतु फागुन माह की शिवरात्रि, जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है, इसका फल वर्षों तक शिवरात्रियों को भी से भी जो एक साल में शिवरात्रि आती हैं, जो लोग उन्हें नहीं कर पाते हैं तो वो महाशिवरात्रि व्रत कर लें, तो ये उन सब से ज़्यादा अधिक पुण्य देती है। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना के लिए महाशिवरात्रि श्रेष्ठ है। इस दिन दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए भगवान शिव और माँ पार्वती की उपासना करनी चाहिए। महाशिवरात्रि को जो है शिवलिंग, इस दिन शिवलिंग की विशेष पूजा अर्चना की जानी चाहिए, ऐसी मान्यता है। जो साधक शिवरात्रि पर विधि विधान से व्रत रखते हैं, उनके सभी कष्टों को भगवान शिव हर लेते हैं। जैसा कि भोलेनाथ ने पूर्व में ही समुद्र मंथन में उत्पन्न हुआ विष का प्याला पी लिया था, साथ ही साथ इस दिन कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। तो महाशिवरात्रि के चारों पहर में पूजा करने के लिए आपको सामग्रियों की जरूरत पड़ती है। इनमें आपको सफेद फूल, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, बेर, आम की मंजरी, जौ की बालें, गंगा जल, कपूर, धूप, दीपक, रोली, इत्र, मोली, जनेऊ, पंचमेवा, मदार, पुष्प, गन्ने का रस, दही, देसी घी, रुई, चंदन, पांच तरह के फल समेत भोग के लिए गाय का कच्चा दूध, शहद, खीर, स्वच्छ जल, बतासा, नारियल, पांच तरह के मिष्ठान और अन्य चीजों की भी जरूरत पड़ सकती है, जैसा कि आप पंडित से पूछ के भी पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर क्या नहीं करें, क्या करें, मतलब इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें महाशिवरात्रि के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए, फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए, भगवान शिव का जलाभिषेक करें, शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, फूल, अक्षत, भस्म, दूध, दही अर्पित करें, शिव पुराण 40, शिव चालीसा समेत अन्य शिव मंत्रों का जाप करें, रात्रि में शिव जी की पूजा करें, जागरण भी कर सकते हैं। क्यों मनाया जाता है महाशिवरात्रि का जो पर्व, ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि की रात्रि में शिव और माता पार्वती के मिलन की रात के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ इस दिन 64 शिवलिंग के रूप में भगवान भोले संसार में प्रकट हुए थे। हालांकि दुनिया फिलहाल 12 शिवलिंग ही ढूंढ पाई है, जिसे 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। बोलो बम बम भोले।